तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस कंपनी का टर्मिनेशन, यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसी भी तरह की फाइनेंस सेक्टर की कंपनी अगर होगी, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो बैंक हो, या और भी किसी तरीके का अगर कोई भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होती है जिसमें फाइनेंस वर्ड ऐड होता है, उसका टर्मिनेशन कैसा होता है या मतलब क्या फ्यूचर इम्पैक्ट होता है, एंड अगर आप फेक चीज़ें अप्लाई करते हो किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस पर हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि देखो, जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होती है वो रिलेटेड टू योर पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। जैसे कि कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, उसने लोन लिया और लोन लेके वो डिफ़ॉल्ट कर गया, मान लो 5 लाख 10 लाख 15 लाख का उसने लोन लिया और वो डिफ़ॉल्ट कर गया और उसने सबमिट नहीं किया, तो कंपनी क्या करती है कि आपका जो डेटा है सिविल के पास जाता है, जो सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका सिविल स्कोर मैनेज होता है, तो आपका डेटा वहाँ पे जाता है। कोई कंपनी 30 को बेचती है, कोई 1 को, कोई 5 को, कोई 7 को, तो ये अलग अलग बैंक का अपना एक टास्क होता है जो कि आपका डेटा सिविल कंपनी तक शेयर किया जाता है या वहाँ से फेच किया जाता है। अब उस केस में होता क्या कि आपने किसी एक पर्सन ने एक्स वाई जेड वापस से आते हैं उसी एग्जांपल पे, और किसी ने लोन लिया 5 लाख 10 लाख का और डिफॉल्ट कर गया, तो उसका सिविल स्कोर इम्पैक्ट करेगा, ये आपको भी पता है। अब जब सिविल स्कोर इम्पैक्ट करेगा तो क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जो टायर वन कंपनीज हैं बैंक के सेक्टर में वो आपको लोन नहीं देंगी किसी भी तरीके से। तो इसी तरीके आपका होता है कंपनी में टर्मिनेशन, तो इन द सेंस कि अगर आप फाइनेंस सेक्टर की कंपनी से टर्मिनेट होते हो एज कंपेयर टू नॉर्मल टर्मिनेशन, जैसे कि मान लो आपने जॉब में जाना छोड़ दिया, आपने क्या किया कि बिना बताए लीव ले ली, कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, आपको रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं करना, आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस, इसके अलावा अगर फाइनेंस सेक्टर की कंपनी से टर्मिनेशन है कि किसी का, जैसे मान लो एज एम्प्लॉय आप वर्किंग हो किसी का एक्स वाई जेड कंपनी में, कोई बैंक है आप वहाँ पे वर्किंग हो, उस केस में आपने क्या किया, किसी डिफॉल्ट पर्सन को आपने लोन अप्लाई करवा दिया, अलाउ करवा दिया एंड इसके बाद वो अप्रूव हो गया, उसको रिम्बर्समेंट हो गया, तो ये फेक हो गया। किसी के पर्टिकुलर अगर आपके पास टारगेट है 4-5 अकाउंट, फेक अकाउंट आपने ओपन करवा दिए बैंक में, 1000-1000 रुपये डिपॉजिट करके किसी एक्स वाई जेड नाम से, किसी ABC नाम से, किसी और नाम से आपने 1000 रुपये सबको दे के 5 अकाउंट ओपन करवा दिए, तो उस केस में भी टर्मिनेशन हो जाता जब वो पता चलता है। तो इस तरीके के टर्मिनेशन में अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको कोई भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी आपको जॉब देगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10-15% या 20% ही चांस होते हैं कि आपको फाइनेंस सेक्टर कोई भी कंपनी जॉब देगी, क्योंकि ये आपका पर्सनल भी इम्पैक्ट करता है, ऑफिशियल भी इम्पैक्ट करता है। सो मेक श्योर अगर आप किसी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में जॉब करें तो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी ना करें। बट एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IT सेक्टर हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, अगर इनमें टर्मिनेट होता है नॉर्मली तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है, बट फाइनेंस सेक्टर में आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आपके लिए। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी भी तरीके का फेक एप्लीकेशन, फेक एक्सपीरियंस या फेक लेटर या किसी भी तरीके का अगर आप सोच रहे हो कि फाइनेंस सेक्टर में आप फेक करके जा रहे हो, तो अगर वो केस बाद में कभी पकड़ा गया तो वो आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। इवन आपको कई कई बार में कई लोगों को मैंने देखा कि जॉब लेस भी कर देता है, उनको कहीं भी जॉब नहीं मिलती। तो मेक श्योर आप फेक अप्लाई ना करें किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।